अजय देवा का सर, ये और भी बड़ा है जी सर, ये अजय देवा का कॉइन है, इसके ऊपर लक्ष्मी का, लक्ष्मी बैठी हुई हमको दिखा रहा है, ये लक्ष्मी सर अग्रभाग पे जी सर, और ये पृष्ठ पे क्या है, पृष्ठ पे उनका नाम है सर, अजय देवा का, अजय देवा का सर, तो मैम की क्लास कल है क्या बेटा, ये चालू के टाइम पीरियड का सर, 11th सेंचुरी का, कौन सा शासक का है, इंडो सासानियन सर, इनका शासक का नाम नहीं आइडेंटिफाइड है, इंडो सासानियन, ओके, इंडो ग्री, इंडो ईरानी वाले, वो उसका और ना यहाँ का चालुक्य का मिक्स अप ग्रुप है इनका सर, इसके एक तरफ ये राजा का फेस है सर, नीचे राजा की जीभ दिखाई गई है इन्होंने, एक तरफ कान दिखाया गया, पीछे की तरफ फायर अल्टर है सर, हाँ वो ईरानियों का प्रतीक जी सर, ओके ओके दिखाना सर, एक बार देखो सर, सबसे बढ़िया चीज़ इनकी है कि अपन यहाँ पे फील भी कर सकते हैं, वरना म्यूजियम में तो अपने को करने नहीं देते, पर इनके इनके ये सील को मत खोल देना, नहीं नहीं सील नहीं, ये राजा राजा प्रथम चोला साम्राज्य का सिक्का सर, ये अग्रभाग है, ये अग्रभाग है सर, इसके ऊपर हमको राजा पूरा खड़ा दिखता है, दिखाते हैं, ओके, और ये किस मेटल का है, कॉपर का सर, ये क्या निकल गया, कोई कॉइन है क्या है सर, नहीं सर, नहीं सर, ये किसी लड़की का या लड़के का, किसी का बैच का है, इसमें सर राजा का पूरा हमको कोई वुमन फिगर एक साथ नहीं दिखता, लाइनों के फॉर्मेशन में हमको ये चीज़ दिखती है, ओके ओके ओके, इसके बाद में आपको मैं प्रीसेस प्रीसेस चीज़ें दिखा देता हूँ, ये सर काबुल शाह डायनेस्टी है, जिस टाइम ना भारत के अंदर अटैक हुए थे मुसलमानों के, जिस टाइम काबुल के अंदर काबुल शाही डायनेस्टी थे, समलता देव और ये लोग थे उनके और टाइम का सर, इसमें हमको हॉर्स और बुल का एविडेंस मिलता है, एक तरफ एक राजा हॉर्स के ऊपर बैठा जो झंडा लेके खड़ा है, बैक साइड में हमको हम्प्ड बुल मिलता है, हम्प्ड बुल और हॉर्समैन का टाइप सर पृथ्वीराज चौहान, सामंतपति देव, काबुल शाही डायनेस्टी, इन तीनों ने इशू किया था, इवन मोहम्मद गोरी ने भी इसको इनको इशू किया, अलेक्जेंडर कनिंगम सर अपनी रिपोर्ट में इसको मानते हैं कि भाई ये पृथ्वीराज चौहान को जब डिफीट करने के बाद में जब मोहम्मद गोरी भारत का राजा बना तो उसने ये कॉइन इशू किया था, इवन कुतुबुद्दीन ऐबक का हमको कोई कॉइन नहीं मिल रहा, उन्होंने कॉइन जारी नहीं किया, बट मोहम्मद गोरी का हमको कॉइन मिल रहा है, और एक वो कॉपर वाला निकाल दिए थे उसने, फिर वो हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक सर, चमड़े का सिक्का सर, उसका है क्या सर, वो यहाँ पे शो नहीं करेगा क्योंकि वो रेयर कॉइन है सर, और कौन से हैं सर, ये फिरोज शाह तुगलक का कॉइन है, तो बड़ा है साइज में, हां इनके टाइम में सर साइज बड़ी होती है, सिल्वर का है, किसका है सर, मिक्स है, बिलियन कॉइन है सर, सिल्वर और कॉपर मिक्स अप है सर, ओके ओके, इनके इनके टाइम पीरियड में सिल्वर और कॉपर मिक्स चलने लगे थे, कोई लिपि और ये पृष्ठ भाग है, हां जी सर, क्या इस पे बना है सर, दोनों दोनों में अरेबिक स्क्रिप्ट है सर, ओके जी सर, मेरा अभी क्लासेस चल रही है अरेबिक और पर्शियन की, तो मैं अभी आइडेंटिफाइड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ नाम देखता हूं कि भाई किसका राजा होता है, ये इंदौर का सिक्का सर 1948 का, ये हाँ जी सर, बड़ा सिक्का है, ओरिजिनल साइज वाले हैं जी सर, शिवाजी राव का सिक्का सर, ये पावाना का सिक्का सर 1948, इसमें इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा, ये तो सर पूरा एकदम नया माल आ गया है वहाँ से, एकदम पूरा गोल हो गया, पूरा रिफाइंड हो गया, ये मशीन कटिंग है सर, कुछ कॉइन सर ऐसे ही है जैसे सिंध साम्राज्य का है, जीतल कॉइन है सर, ये दाहिरवा के टाइम का सर, इसका आइडेंटिफाइड नहीं है, इसकी स्क्रिप्ट मिट चुकी है, सिर्फ हॉर्स एंड बुल हमको दिखता है, जिसके बेसिस पे हमने ये कहा कि भाई ये काबुल शाही का हो सकता है, सिंधु शाही डायनेस्टी, सिंधु शाही जिसको हम बोलते हैं, काबुल शाही बोलते हैं क्योंकि वो काबुल एरिया में, एक्चुअल में स्क्रिप्ट हम लोग नहीं आइडेंटिफाइड कर पा रहे, इसलिए बहुत सारे कॉइन है मेरे पास, समथिंग 30-40 है जिसको हम आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहे, देखो उसके लिए हॉर्स एंड बुल टाइप को ही हमने चेंज किया है। ये एग्जीबिशन कितने दिन चलेगी? बस सर अभी अभी है थोड़ी देर। अच्छा आजा जी है जी सर, ये गुजरात सुल्तान का सिक्का सर। कौन से वाले का सर? इसका नाम नहीं आइडेंटिफाइड हुआ अभी, मैं नहीं पढ़ पा रहा, मेरी क्लासेस चल रही है, उसके बाद में मैं इसको पढ़ूंगा। ओके, मोहम्मद तुगलक का भी है जी सर? मोहम्मद तुगलक का भी है सर, वो यहाँ नहीं है, वो थोड़ा पीस से इसलिए उसको शो नहीं कर पाएगा। ओके ओके ओके, और अकबर वगैरह के हैं? हाँ जी अकबर वगैरह के हैं। ये किसका है? ये सर सिल्वर कॉइन है, ये उसका है तुगलक डायनेस्टी का सर। ओके, गयासुद्दीन तुगलक। काफी साइज छोटी है ना? साइज छोटी है, ये तो सिल्वर मिक्स है सब में सर, सिल्वर कॉपर।
और जहाँ तक मैंने पर्शियन पढ़ी है अरबी पढ़ी है उत्ते से मैं ये आइडेंटिफाई सीख रहे हो। मैं सर डेक्कन कॉलेज और ईरान के अंदर इंस्टीट्यूट है उससे। ओके ये सर अलाउद्दीन खिलजी का, उसका भी साइज छोटा है। हाँ, इनका छोटा सर। ये सर खिलजी वाले टाइम तक छोटे ही साइज लग रहे हैं इनके अंदर। सर एक तरफ सेंटर होता था, सेंटर के अंदर ये लोग अलाउद्दीन खिलजी लिखते थे। सिकंदर सानी अकाउंट। हाँ, उपाधि इसमें नहीं मिल रही हमको, उपाधि बैक साइड में मिलती है यहाँ पे जी सर। और इसमें भी सर देवनागरी का इन्होंने यूज़ किया। हाँ, इसमें है देवनागरी। हाँ जी। ये सर मेवाड़ साम्राज्य के दोस्ती लंदन के सिक्के सर। ओके, ये फिर फतेह सिंह टाइम के। जी सर, स्वरूप सिंह जी टाइम में इन्होंने जारी किए सर। बताओ फिर तुम। सेमिनार हॉल में है? सेमिनार हॉल। हाँ बुद्धिराम। ये सर आप हाथ में लेके देखिए, ये तो भारी आ गया। ये सर एक्चुअल में जब है ना टीपू सुल्तान एक्सपायर हुए थे उसके बाद नहीं, उससे पहले के हैं ये वोडियार सेकंड राजा था सर। हाँ हाँ हाँ, ये उसके चुके पर ये इसके कवर के बाहर कैसे ये इसे सर निकल गया, फट गया। ओह मेरे को दूसरे। मैम ये मेरे बगल में। नमस्ते मैम। नहीं, तो ये तो काफी मतलब कि नए पीरियड का, फिर भी इतनी छोटी साइज कैसे है सर? वो तो उनको या तो मेटल उनके पास कम होगी, मेटल या फिर मतलब थोड़ी अर्थव्यवस्था उनकी भी खराब हो जाती होगी उस टाइम, तो सिक्के उस टाइप से डालने लग जाती थी। दिखाना है जानवर का एलिफेंट है सर। एलिफेंट स्क्रिप्ट है सर। हर सर। हाँ जी, चलता हूँ ना। जा रहा है? हाँ। ये सिक्के तो देख ले सर, एलिफेंट के ऊपर यहाँ पे एक अर्ध चंद्राकार चीज बनी हुई है। एक हम दिखाएंगे आपको। ये तो और भी छोटा है। वही है सर, ये मैं इसको आइडेंटिफाई दिखा रहा हूँ। एलिफेंट के जस्ट ऊपर एक अर्ध चंद्राकार ये जी सर, ये सर 1 पैसा का निशान है। ओके, ये 1 पैसा का कॉइन है। अच्छा अच्छा अच्छा, अग्रनील। हाँ सर, सिक्के देख देखना। हाँ देख रहा हूँ सर, पीछे हूँ आपके। फील भी कर। ये गुजरात का सर, 1 डोगडा सर। हाँ, ये तो बड़ा सिक्का है जी सर। ये कब के टाइम पीरियड का है ये सर? मॉडर्न फेज का सर। अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडियन कॉइन है ये जी सर। इस पे क्या क्या बना हुआ है? इसके ऊपर सर नहीं, जॉर्ज थर्ड नहीं सर, इसके ऊपर जॉर्ज फाइव है सर। जॉर्ज फाइव का जी सर, जूनागढ़ गुजरात का सर। पीछे का एक वो देखिए नहीं सर, जॉर्ज फाइव का वो अरेबिक में नाम दिया हुआ, बस नाम दिया, मतलब नाम ही दिया, बाकी कुछ नहीं। वो ये नहीं 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 इनके इनके ऊपर सब पे नाम ही मिलता था, प्रोफाइल किसी के ऊपर नहीं है सर। तो ये मतलब लोकल राजा बस उसको एज एम्परर मान रहे हैं बस। बुद्धिराम उनको फोन करके कह दे मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। ये बीकानेर साम्राज्य का सिक्का सर। ये तो काफी भारी है। हाँ, ये वेट है सर। तो ब्रिटिश इंडिया वाले सर सब लोग ये वेट में डाल रहे हैं। ये तो अकबर जैसा लग रहा है जी सर। तो बहुत भारी सिक्का है। पंचमार्ग नहीं है ये, बीकानेर साम्राज्य का सर, बीकानेर डायनेस्टी का है। तो काफी भारी सिक्का है जिसमें मतलब थोड़ा घिस गया है। घिस गया है सर। कौन सी लिपि में ये? ये सर अरे ना पर्शियन है सर। पर्शियन जी सर, फारसी। ये हैदराबाद निजाम का सर, कॉपर का है ना ये तो? हाँ जी सर, कॉपर का। ये हैदराबाद निजाम, ये क्या रेक्टेंगुलर शेप में रखते थे क्या? दोनों है सर, इनके पास सर्कुलर भी था रेक्टेंगुलर था। ये सिक्का भी भारी है। ये हैदराबाद का निजाम का सर, रेक्टेंगुलर है सर। दिख रहा है वो तो सर। चलो कोई तो डिजाइन इन्होंने चेंज की सिक्के। आधा पैसा सर। ये आधे पैसे का है जी सर। और दूसरा वो एक ही है ना ये सर? नहीं नहीं, आपने कहा ना दूसरे डिजाइन में भी है, दूसरा में सर्किल में है सर। ओके हाँ सर। ये बताओ जैसे ये जिस रेक्टेंगल में ये वो गोल है ना, अब मतलब उनकी वैल्यू एक ही होती थी या अलग अलग होती थी? नहीं अलग अलग भी होती थी, एक भी होती थी, दोनों है। एक पैसे का रेक्टेंगल भी है, एक पैसे का राउंडर भी है। हाँ ये तो ये सर जोधपुर का है। ये भी हैवी है इसका। जी सर, इसमें सर एडवर्ड 8 नाम का राजा बना था। ये उसका सिक्का सर। पीछे की तरफ क्या है? पीछे की तरफ उमेद सिंह ने ये पीछे टेप लगा रखी है, मैंने फट गया था।
उमेद सिंह ने राजा जारी सिक्का जारी किया था ये ओके एडवर्ड एट का नाम पे अग्रभाग पे एडवर्ड एट और पीछे पे उमेद सिंह जी का ओके वन क्या ये डोकडो वन डोकडा डोकडा गुजरात का चलता सर अच्छा डोकडा का मतलब वहाँ की करेंसी थी सर जैसे अपने रुपए चलते हैं उस टाइम डोकडा पावाना ये सर ग्यासुद्दीन बलबन का सिक्का सर बल्लू दादा का है जी सर इस पे क्या बना हुआ है इस पे भी सर अरेबिक में बीच में बलबन लिखा है और देवनागरी में पूरी उपाधि उनकी और पीछे अरेबिक के अंदर इनकी पूरी है ना उपाधि दिया हुआ है ये हिमायूं का सिक्का सर हिमायूं का भी हैवी है सिक्का जी सर इनसे भी हैवी मिलते हैं सर हिमायूं के टाइम पे इकोनॉमी तो इतनी अच्छी थी नहीं नहीं सर इकोनॉमी तो ठीक ही थी सर नहीं सर वो वहाँ से लाए थे ना हमें का ये अच्छा सर हाँ पंपता है लाहौर से लाया है सर ये लाहौर मिंट का लाहौर में बनता है लाहौर मिंट का है सर ये भी उसी का है नहीं ये मराठा संदर्भ से कुशाण वाला देखा क्या सर आपने कुशाण वाला दिखाया था ना वासुदेव का हाँ वासुदेव का दिखाया था ना लेटर कुशाण वाला ये रजिया का सर बहुत पतला एकदम स्लिम ट्रिम बिल्कुल उस पे रजिया सीट 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 काटी हुई है क्या जी सर अब इन्होंने कैसे बनाया था उसका आइडेंटी या तो ये मिट्टी में पड़ा पड़ा घिस गया होगा घिस गया होगा कुछ भी हो सकता है ये प्योरली सिल्वर का है सर हैवी भी है ये शाह आलम सेकंड का सर शाह आलम तो फर्जी राजा के टाइम का इतना हैवी सिक्का देख लो सर फर्जी राजा का इतना बढ़िया इतना हैवी रखते हैं सर बारी वाली इतना हैवी सर एंटिक फर्जी है वो भी बढ़िया चीज है आप घोड़े का उनको अच्छे से मेंशन देख सकते हो एकदम सर पृष्ठ भाग पे क्या है पृष्ठ भाग पे सर हम्बुल है और उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है ओके तो इनका आप थोड़ा वो कंजर्वेशन का भी बता सकते हो क्या लगी तो नहीं आपके नहीं 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 कंजर्वेशन मतलब किस टाइप से होता है इनका इतना है सर बाकी सब कुछ हुआ अलाउ दिन खेलते हैं इनका ओके ओके तो समय समय पर इनकी सफाई वफाई होती है जी सर होती है इसके लिए किस तरह का लिक्विड यूज होता है सर अभी तो मैं कोई ऐसे स्पेशली लिक्विड यूज नहीं कर रहा क्योंकि लिक्विड कंजर्वेशन का कोर्स मेरा चल रहा है वो पूरा होगा उसके बाद ही मैं इस पर यूज करूंगा ओके ओके तो अभी मैं कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता किसी कॉइन को अपने अज्ञानता के कारण इसलिए मैं इसको सिर्फ जैसे सिल्वर कॉइन हुए तो अपने जो ना कोलगेट का पाउडर आता है उससे उसको क्लीनिंग करता हूँ ओके अदरवाइज जैसे जो कॉपर है उसको हम लोग छाछ में डाल के छोड़ देते हैं ओके जितना मेटल उससे गंदगी निकल सकती है उतनी निकालते हैं उसको रुई से साफ करके वापस ना जो ये कागज आपने देखा ये सब एसिड फ्री है सर ताइवान से बन के आता है ओके तो उसके अंदर डाल के उसको सेफली वापस रख देते हैं सर ओके जब तक प्योरली नॉलेज नहीं हो जब तक उसके ऊपर माथा बची नहीं करते हां नहीं सही बात इसलिए अभी मेरी फ्रेंड है जो खुद कंजर्वेशन का है उसने पूरा कॉइंस के ऊपर ही कंजर्वेशन कोर्स किया है तो उसके हेल्प से मैं काम करवाता रहता हूं आपने अपना नाम क्या बताया सौरभ भास्कर सौरभ भास्कर कहां से मैं सर सिक्कर डिस्ट्रिक्ट से हूं सिक्कर से सिक्कर से हूं अच्छा कई चीज़ें नई सामने आई कि पहले जो सिक्कों को लेकर धारणा थी कि सिक्के जो हैं नॉर्मली नॉर्मल साइज़ वाले ही होंगे तो ये तो मैंने देखा कि बहुत छोटे साइज़ के भी हैं और सर एक सिर्फ इतना सा सिक्का इतना सा जी सर सिर्फ इतना सा वो सर साउथ इंडिया का उसका राजा का नाम मेरे पास आइडेंटिफाइड नहीं है ये देखने में आ रहा है कि उस समय वो सर पूरा बहनों को देख सकते हो कि किस लेवल पर उन लोगों ने हाँ कि भाई कितना ज़्यादा जो है उसको माइनॉरिटी काम किया है उसके अंदर कि भाई इतना बारीक सिक्का छोटा सिक्का और उसमें भी जो है इतनी सफाई से उन्होंने जो है नाम खोद दिए उपाधियां भी पूरी पूरी खोद दी जी सर तो उस काल की मेटल लर्जी बहुत सुपीरियर रही होगी उसका बारे में पता चल रहा है हम लोग ये जो है ना इस पे ग्रीन वाला जम रखा है इंकस्टेशन ये तो मतलब केमिकल में आप रखोगे ना तो वो रिमूव सर एक्चुअल में सारे कॉइंस को हम केमिकल से रिमूव नहीं कर सकते बहुत से ऐसे कॉइंस हो जाते हैं जिनको केमिकल से रिमूव करोगे तो उसकी स्क्रिप्ट मिट जाएगी या फिर कोई राजा करना इसलिए हम लोग जो कंडीशन उसकी है उसको उसी कंडीशन में अपन केमिकल एकदम डाइल्यूट यूज में लेंगे कि है ना उस पे कॉइन पे कोई फर्क नहीं पड़े और वो भी ऐसे कि तीन चार दिन तक रखना होता है तो वो क्या है कि
जो ऊपर ऊपर का इंक्रस्टेशन है ना वो ही हटता है वो सर सारा कुछ मैंने उनको केमिकल लैब वालों को दे रखा है ओल्ड भी ज्यादा हो गई तो उसी मतलब कुछ ज्यादा भी हट सकता है ये मतलब इसीलिए वो अरे क्या नाम है बुद्धिराम क्लास की तरफ चले आप चलो सर।